नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो है 2511 है ना जी, 2511 दोस्तों 1977 का मॉडल है और ये प्रवीण जी है हमारे साथ। इस ट्रैक्टर की खास बात बताएंगे भी और जानेंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ खास बात है ट्रैक्टर में जो इन्होंने अब तक रख रखा है। काफी ओल्ड मॉडल है और आइए इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, गांव रोना जिला का रहने वाला जी। जैसे आप ये ट्रैक्टर लगाए हैं 2011, तो कब लेकर आए थे, कुछ खास बात बताओ इसकी। खास बात तो ये है जी, इसकी कहीं भी लगा दो अपने हिसाब से ज्यादा जान लगाता है ट्रैक्टर, और गियर बक्सा या मतलब कोई डिफेक्ट नहीं आया है। कितने दिन हो गए आपको ट्रैक्टर में? एक साल हो गया है सर रखे। अच्छा, मैं भी एक जानकारी में से ही लेकर आता सर। अच्छा, कोई काम करा है वो जब लेकर आया? कुछ गैर बक्सा कुछ नहीं करवाया इसमें, बिल्कुल साफ एकदम। अच्छा, ये जो टूटा तो पक्का नहीं है, गैर बक्सा लीवर हाइड्रोलिक बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा। अच्छा, आपके मतलब तबीयत खुश है? बिल्कुल। जैसे कंपनी बंद हो गई आपको पता है, पार्ट्स मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो? नहीं जी, कोई पार्ट मिलने में कोई जमीन तो हमारे पास 150 बीघा है। अच्छा, तो इसी से कर रहे सारा काम? नहीं, दूसरे भी काम होता है। अच्छा, मतलब छोटा मोटा काम कर रहे? हाँ, छोटा मोटा ज्यादा करके तो हम इस पे ज्यादा लोड तो इस पे दे आज बल्कि जो ट्रैक्टर है उनको देते नहीं। अच्छा, वो भी जो इसकी एक तो तेल की कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है इसकी, एक पावर ब्रेक जो है इसके एकदम बहुत बढ़िया काम करे। ये HMT की तो खूबी है दोस्तों कि इसमें पहले से ही पावर ब्रेक आते हैं, और जैसे कि ये इसकी ओरिजिनल ही है? ओरिजिनल ही है जी। हाँ। अच्छा, तो ये आपने कितने का लिया था लगभग? जो मैं 45,000 का लाया था। अच्छा, 45,000 रुपए का। बढ़िया चल रहा है भाई? बहुत बढ़िया, तबीयत खुश है? बिल्कुल जी। ये देखिए दोस्तों, किसान भाई ने बताया बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। और कुछ खास बात बता दो इसकी जो और ट्रैक्टरों में ना हो। और जो और ट्रैक्टरों में तो खास बात सबसे बड़ी ज्यादा यह है इसकी के ये लोड पर उठता नहीं। अच्छा, और ट्रैक्टर ऊपर उठ कर चलते हैं लोड पर, ये उठ पाता। अच्छा, तो क्या-क्या चीज पे चला रहे हैं? सब चीज पे चल रहा है, हार्ड टीलर लेजर सब जगह पे फिट है जी। अच्छा, तेल का मैले तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों ये था अपना HMT 2011, मैं पीछे से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है, बिल्कुल ठीक से कोई लीकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी निकाल हो गए ट्रैक्टर को, इंसान का काफी लगा हुआ इस ट्रैक्टर से, आप काफी जाने हैं इस ट्रैक्टर के साथ। बहुत ही पुराना ओल्ड मॉडल, वो गाड़ी ट्रक से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इंप्लीमेंट पे चलता है, एरो पे टिलर पे किसी भी चीज पे चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं है आज भी। और बताया है कि क्या नाम इसका एवरेज जो है बहुत ही अच्छा है आज भी ओल्ड ट्रैक्टरों के मुकाबले। तो दोस्तों जैसी भी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे किसी ट्रैक्टर की नॉलेज है जानकारी है तो मुझे जरूर बताएं। और तो इसमें एक चीज और है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें ये कंप्रेसर है ना जी? हाँ जी, कंप्रेसर है इसमें, ये जो इसमें टायरों में जो हवा हवा भरता है ये सही है। ये खुल सकता है? एक मिनट, एक मिनट दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, खोल दियो। देखिए दोस्तों ये कंप्रेसर है, यहाँ पे आपको अगर दिख जाए तो दोस्तों इससे ना हम अपने टायर वगैरह में हवा भी भर सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा दे रखा था पहली कंपनी ने, जीटर कंपनी ने, जो कि आजकल आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा किसी भी ट्रैक्टर में। सिर्फ इसी में ही HMT में ये जुगाड़ आया था, ये पंप आया था, ये दिया था इन्होंने। और इसके देखिए ये पाइप है इधर, यहाँ से लगा के हम हवा भर सकते थे इसमें। ये देखिए दोस्तों ये था पंप अपना। तो ये इंग्लैंड से आए थे, कहाँ से आए थे जी ये ट्रैक्टर आपको बताओ? हिंदुस्तान का ट्रैक्टर है। अच्छा, हिंदुस्तान का ही है? अच्छा, मेड इन इंडिया है दोस्तों ये। आज भी ट्रैक्टर काफी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसी भी लगी वीडियो न
अपना कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।